हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाल बाटी चूरमा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आटा तैयार करेंगे। मैंने ये 1/2 kg आटा लिया है, उसमें 1 कटोरी घी डाला है और अब उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये लाइक जैसे मट्ठियों का आटा होता है इस तरह देखने में लगेगा। अब ये लगकर तैयार हो गया है। आटे को मैंने 2 पोर्शन कर लिए हैं, एक से हम चूरमा बनाएंगे और एक से बाटी। बाटी के आटे में हम नमक डालेंगे, थोड़ी अजवाइन डालेंगे और 2 पिंच मीठा सोडा डालेंगे। इससे हमारी बाटी अच्छी फूल कर आएंगी। और थोड़ा हम चूरमे के आटे को अलग रखकर इसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये आटा हार्ड होता है। अब देखिए, अब हमने बाटी के आटे को अलग कर दिया है। चूरमा बनाते हैं हम। सबसे पहले चूरमा बनाने के लिए हमने मोटी मोटी लोइयां तोड़ ली हैं और तवे को गैस पर रख दिया है। अब हम इनकी रोटियां बनाएंगे। हमारी रोटी बनकर तैयार हो चुकी है और तवा भी गरम हो चुका है। अब इसको मीडियम गैस पर हम इसको अच्छे से सेक देंगे। इसको मीडियम ही रखना पड़ेगा, नहीं तो घी की वजह से रोटियां जलने लगेंगी। रोटियों को जैसे हम जनरल रोटियां बनाते हैं वैसे ही गैस पर सेकते रहेंगे। ये एकदम ब्राउन टेस्टी सी सिक जाती हैं। ये देखिए कितना अच्छे से सिक चुकी हैं। अब इसी तरह हम अपनी सारी रोटियों सेक लेंगे। रोटियों को तोड़ तोड़ कर हम थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर मिक्सी में पीस लेंगे। हमारी रोटी ठंडी हो चुकी है, अब हमें इन्हें मिक्सी में पीस लेते हैं। हमने हमारी रोटी पीस चुकी है, अब हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद जो ऊपर बच जाता है उसको एक बार वापस हम फिर से पीस लेंगे। ये चूरमा बनाने का बहुत सिंपल मेथड है। और इसमें थोड़ा और हम रोटियों को डाल देंगे और वापस पीस लेंगे। इसी तरह हमारा सारा चूरमा पिसकर तैयार हो जाएगा। देखिए चूरमा पिसकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 कटोरी एक फुल कटोरी पिसी हुई चीनी या बूरा मिक्स कर देंगे। बूरा मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 कटोरी से थोड़ा ज़्यादा घी मिला लेंगे। घी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी मिला सकते हैं। चीनी और घी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम मिला सकते हैं। अब ये घी, चीनी और आटे का चूरमा मिक्स कर तैयार हो गया है। अब ये परफेक्ट रेडी हो चुका है और खाने के लिए पूरा तैयार है। अब दाल के लिए हमें चाहिए तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्ची, जीरा, लाल मिर्च, हल्दी, कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा अदरक, थोड़ा धनिया और कटे हुए टमाटर और सॉल्ट। और ये दाल मैंने भिगो के तैयार कर रखी है। इसमें मैंने चने की दाल, मूंग की दाल, उड़द छिलका
और अरहर और मसूर, ये पांच रंग की दाल को मैंने रेडी कर लिया है और इसको आधा घंटे पहले भिगो के रख दिया है। ये पांच रंग की दाल मेरी भीग कर तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको बनाते हैं। मैंने कुकर में एक बड़ी चम्मच घी डाला है। घी गरम हो चुका है। अब थोड़ा जीरा, लौंग और काली मिर्ची, तेज पत्ता को गरम होने देते हैं। इसके बाद हरी मिर्ची डाल देते हैं। हरी मिर्ची टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। और अदरक डाल देते हैं। इसके बाद बारीक कटे हुए दो टमाटर हैं। ये टमाटर ज़्यादा हैं, मैंने थोड़ा ही इसमें टमाटर डाले हैं। और अच्छे से भून लेते हैं। टमाटर मेरे भुन चुके हैं। अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा जिंजर पाउडर। और सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। इनको अच्छे से भून लेते हैं। ये भूनकर तैयार है। अब इसमें हम अपनी मिक्स दाल डाल देंगे। इसको पचरंगी दाल बोलते हैं। ये राजस्थान में बहुत फेमस होती है। चूरमा के साथ, चूरमा बाटी के साथ हम इसी को खाना पसंद करते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब दाल को थोड़ी देर गैस पर एक मिनट के लिए हम भून लेंगे। अब इसमें एक कटोरी में हम तीन कटोरी पानी डालते हैं। एक कटोरी दाल और तीन कटोरी पानी। अब दाल हमारी तैयार है। उसमें धनिया डाल देंगे और इसमें सीटी लगाएंगे। एक सीटी के बाद गैस को थोड़ा कम कर देंगे। इधर मैंने कॉइल को गैस पर गरम किया है और पॉट में जिसमें हमें दाल को डालना है उसमें रख दिया है। इसके ऊपर थोड़ा घी डालेंगे और थोड़ी सी हींग डालेंगे और ढक्कन को बंद कर देंगे। अब हम दाल को देखते हैं। हमने एक पैन में थोड़ा घी रखा है तड़के के लिए। हमारा तड़का तैयार है। अब कोयले को निकाल देंगे और उसका स्मोक इसी के अंदर रहने देंगे। कुकर का ढक्कन खोलेंगे। दाल हमारी रेडी हो चुकी है और स्मोक वाले बर्तन में हम अपनी दाल को डाल देंगे। इससे एक बहुत अच्छा तंदूरी फ्लेवर आता है। हमने अपनी दाल को स्मोक वाले पैन में डाल दिया है और ऊपर से तड़का लगा देंगे। अब हम बाटी की तैयारी करते हैं। बाटी के लिए जीरा, मिर्च, मेथी, ड्राई मेथी और धनिया और चार आलू मैंने लिए हैं। और बाटी का आटा हमने पहले ही तैयार कर लिया था। आलूओं को मैश करेंगे। घी, कढ़ाई में घी गरम करेंगे और अपने आलूओं को अच्छे से भून लेंगे। घी गरम हो गया है। थोड़ा जीरा, मिर्ची, हरी मिर्ची हम अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये स्टफ बाटी बनाएंगे आज हम, जो बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। अपने आलू इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। आलूओं को हम घी में अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें नमक और लाल मिर्च डाल देंगे। ऊपर से धनिया डाल देंगे और मेथी को हाथों से क्रश करके डालेंगे ताकि उसकी खुशबू अच्छे से आए। मसाला रेडी हो गया है। अब हम बाटी की तरफ बढ़ते हैं। बाटियों की लोई को हम कट करेंगे।
आटे के छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे और उनको बेलकर उसके अंदर हम आलूओं का मसाला भर देंगे। ध्यान रखें आलू का मसाला ठंडा हो जाना चाहिए और इनको जैसे पराठे की लोई बनाते हैं उस तरह बनाकर और हाथ से बीच में पुश कर देंगे। ये हमारी बाटी इसी तरह सारी रेडी करनी है। अब बाटी बनकर हमारी सब तैयार हो चुकी है। अब हम इनको गैस तंदूर पर रख देंगे। आपके पास यदि गैस तंदूर ना हो तो आप इनको ओटीजे में भी सेक सकते हो। 250 टेम्परेचर पर आप बाटियों को लगा दो तो बाटी बहुत अच्छी सिककर तैयार होती हैं। ये मैं गैस तंदूर पर सेकती हूँ। गैस तंदूर पर सेकने के लिए तंदूर को मैंने पहले ही गैस पर चढ़ा दिया है और अब अपनी बाटियों को तंदूर के अंदर रख दूँगी। मैंने बाटियों को तंदूर में रख दिया है। बाटियों को सेकने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे और बीच बीच में इनको ध्यान देना पड़ता है, चेंज करना पड़ता रहता है। ये एकदम क्रिस्पी तैयार हो जाएंगी। बाटियां सिककर कितने अच्छे से तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनको घी के अंदर निकालेंगे। बाटियों को हमेशा घी में ही डिप करके रखते हैं, नहीं तो ये सूख जाती हैं। राजस्थानी खाने में सबसे ज्यादा घी का इस्तेमाल होता है। अब हम मिक्स कर देंगे इनको घी के अंदर, अच्छे से चारों तरफ से मिक्स कर देंगे और सब करने से पहले भी इनको गरम गरम घी में डालकर ही देना चाहिए। अब मेरी बाटी, चूरमा और दाल तीनों चीज़ रेडी हो चुकी हैं और अब हम इनको राजस्थानी स्टाइल में सर्व करते हैं। तो यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी बनाना और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करना। हैप्पी संक्रांति।